रुख करते हैं स्पोर्ट्स की जानिब। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में अजहर अली ने डिब्यू करने वाले वसीम जूनियर को कैप पहना दी। वसीम जूनियर आज कराची टेस्ट खेलेंगे और इन्हें मोहम्मद अली की जगह टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली आज अपना आखिरी मैच खेलेंगे। गुज़िश्ता रोज़ कौमी क्रिकेटर ने अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था। कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग भारत की इंडियन प्रीमियर लीग से ज़्यादा बड़ी और बेहतर है। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान सुपर लीग की मिसालें दी जाती हैं। शुरू में कहा गया था कि प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होगा, लेकिन हमारी लीग अब ब्रांड बन चुकी है। खिलाड़ी यहां खेलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की क्रिकेटर से पूछें जो यहां लीग खेलने आते हैं, कहेंगे कि PSL ज़्यादा मुश्किल लीग है क्योंकि हर एक का रिजर्व खिलाड़ी टिकआउट में बैठा होता है। इतवार के रोज़ फ्रांस और अर्जेंटीना के दरमियान फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा, लेकिन इससे कबल ही फ्रांस के 3 खिलाड़ी बुखार और फ्लू में मुब्तला हो गए। कतर में फुटबॉल का आलमी मेला इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। फाइनल मुकाबले से पहले फ्रांस की टीम के कुछ खिलाड़ियों के बीमार होने की इत्तला भी सामने आ गई। इस हवाले से टीम डॉक्टर का कहना है कि कतर में खिलाड़ियों के मुसलसल एयर कंडीशन माहौल में रहने के बायस फ्लू की शिकायत हुई है। कोशिश है कि टीम में फ्लू के वायरस को फैलने से रोका जाए। वाज़ह रहे कि फ्रांस और अर्जेंटाइन के दरमियान 22वें फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का लोसेल आइकॉनिक स्टेडियम में 18 दिसंबर को होगा।